हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी होली आप सभी को। और हम लोग आए, आपको पता है 2 दिन हुए, और दिव्या देखो होली के लिए उसके घर जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहली होली और पीजे यार बहुत खुश है, बहुत खुश। देखो देखो, स्माइल देखो, स्माइल देखो, स्माइल। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली होली जिसकी भी शादी होती है वो पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाते, ऐसी प्रथा होती है। इसकी वजह से ये अपने घर जा रही है और मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं। चलो जा रहे क्लोथ जा रहे स्टोर हैं। बताओ। जा रहे हो तुम? तुम मेरे बिना होली मनाओगे? ना, अपन दोनों तो मना सकते ना साथ में, ऐसा थोड़ी। मैं तो आ सकता हूँ ना, वो आ सकते हो? मम्मी से पूछ लूंगा, फिर बताओ, अगर वो शोरूम बोलेंगे तो ओपन मैं आता है? हूँ ठीक कल। हाँ है, तो खा लो, एक काम करो, फिर चलते हैं, खा लेते थोड़ा। आ जाओ, गाड़ी की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। अच्छा, घर और गाड़ी इतनी गंदी, क्या बात है? हैं? पापा तो रोने लग गए। चलो क्यों? चलो गाड़ी तो गंदी तो थी ही। चलो, होली के लिए छोड़ के आते हैं इसको। भाई, अपने मम्मी पापा के पास जाता है इंसान तो खुश होना चाहिए कि रोना मैं तो चाहिए? खुश हो रही हूँ ना, लेकिन कोई सामने रो दिया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। भाई, ओ बाप रे, कितनी गर्मी पप्पा को है। ज्यादा प्यार है इससे, मेरे से ज्यादा पप्पा को प्यार है इससे। हाँ, हाँ वो तो है, मम्मी को भी तुमसे ज्यादा तो है। मेरे कर ली, फोटो डिलीट कर दिए तुमने आज, पता है? इसलिए तो शादी कर ली तुमसे, है शादी ना? तो कर ली, लोगों को लेकिन देखो, लोगों को देखा तुमने अभी? क्या देखा? लोगों को देखो तुम, कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाते हैं हम, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, फिर इतना प्यार दिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर प्यार दिखाते हैं नई वो गर्लफ्रेंड के तो साथ, गंदे लोग रहते हैं ना, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर वो तो तीसरी, गंदे लोग रहते हैं ना। पर वो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा है कि बस बाप रे, उनसे ज्यादा कोई प्यार ही नहीं करता एक दूसरे वो से। गंदे लोग हैं, देखा तुम्हें अभी झूठे क्यों? प्यार करते हैं वो एक दूसरे को। हाँ सही है। ये डॉक्टर की टोंग को मेरे से अच्छी मिलती है, इसलिए मेरे को नहीं मिलती ना, सही है। नहीं मिलती तुमको। तुम जो इतना फरारा करते हो रोज, कौन सही करता है उसको? वो तो काम वाली भी कर सकती है, उसमें क्या नहीं है? कर सकती ना, इतनी छोटी छोटी, हर 5 मिनट पे कौन तुम्हारी बाई साफ करेगी बताओ? तो मैंने तुम्हारे नाम की चूड़ी पहनी है, सिंदूर लगाया है, बिछिया पहने, तुमने क्या करा है बताओ? मैंने क्या करा नो हूँ? आंसर, नो आंसर यू हैव। मेरे तो तुम्हारे नाम का दिल है। दिल दिल तो मेरे पास भी है, लेकिन और क्या करा है बताओ? तो लड़के क्या क्या देखो ये करते पूरे हैं? टाइम पहन के रखना पड़ता है इसको, और पूरे टाइम पिछिया पहन के रखना पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ती है, पड़ता है। मतलब कोई तुम्हें प्रेशर थोड़ी है, पहनती है? प्रेशर नहीं है, मैं अपने इच्छा से पहनती हूँ, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को पहनना चाहिए, अच्छा, और बिछिया भी पहन के रखना चाहिए। जो अपनी संस्कृति भूल जाता है ना, वो नहीं करता ऐसा। तुम नहीं भूले हो मतलब? यू बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तो हमारे गर्व है, मतलब शादी हो गई है वो भी आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, अपने प्यार से शादी हो गई, तो सिंदूर तो लगाना ही प्यार से, बनता है। मतलब किसी और से भी होती तो भी करते हैं लोग। तो मैं इतना नहीं करती, लेकिन तुमसे हुई है तो फिर मैं ज्यादा खुश हूं ना, इसलिए। जो घर आ गया है दिव्या का, बाय बाय बेटा, बाय बाय, लव यू। बाय 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 बाय, आता हूँ फिर मैं, है ना, कल। जब से दिव्या गई है, मतलब अभी कुछ ही घंटे ही हुए हैं, लेकिन घर में एकदम ऐसा लगने लग गया है जैसे कि कोई है ही नहीं। बहुत सूना सूना लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो गई तब से पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो कल होली है, तो कल मैं जाऊंगा उसको लेने के लिए, और फिर घर पे तो नहीं आ सकती वो कल, लेकिन हाँ, हम लोग होली खेलने साथ में ज़रूर जाएंगे। और आगे का व्लॉग मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? सीधे मिलेंगे कल, कल उसको लेने जाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है, दिव्या को मैं घर छोड़ के आ गया था होली पर, तो आज हमारे यहाँ पे होली खेली जा रही है बहुत जोरों से। यस, हम लोग निकल गए हैं, अभी दिव्या बस आने ही वाली, ऊपर से हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको कर देंगे पूरे कलर में। दिवाली पे प्रैंक करते हैं क्या हम, है ना? खाली बाल्टी लेते हैं सारे, एकदम कलर लगाने के लिए जाएंगे, डर जाएगी दिवाली। जा, चलो बाल्टी चलो कहाँ जा ले, अंदर नीचे चलो चलो, वो लेके आते हैं। चौकीदार भैया के पास होगी, चलो चलो, मैं चलो यहाँ बाहर लेके आ जा जल्दी, गेट वो खोलो तो आ ही गेट खोलो जाएगी, इतनी गेट जल्दी तो खोलो। आ जाएगी वो। पानी की बॉटल भी चलो चलो चलो, हाँ।
उसको पहले ही पता चल गया। आ जाओ आ जाओ। प्रैंक कर दिया। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ऑरेंज ऑरेंज पहन के आई हूँ। ओ लिपस्टिक लग गई तुमको। ये देखा। होली का कलर। होली का कलर लग गया। चलो चलो बैठो बैठो। ऐसे मजा नहीं आएगा। प्रैंक। क्यों आदि पे? आप भी कलर लगाने आ जाते हो। खाली बाल्टी से भीग के कैसा लगा? वैसे तो फेंक भी देते तो मैं बुरा नहीं मानती। अरे अब तो रियल में भाग चुकी है। आज तो होली है। रियल में बात है अब तो। कुछ होता है। हेलो, कहाँ चल रहे? कहाँ क्या चल रहे? तो हमारी होली बहुत अच्छे से बन गई आज, और पानी में नहीं गए, पूल में भी नहीं गए। सूखी सूखी होली रही है हमारी। होली के लिए, लेकिन अभी हम उसको गीला करने के लिए पियेंगे चाय। असली बात बताओ, कलर भी खुद ही लगा। और ये बताओ, ये लड़का है या लड़की? कमेंट में बताओ। तुम ही लग रही हो। तो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे घर, होली मनाने के बाद इसको वापस से घर छोड़ना है, क्योंकि दो दिन घर पे रहेगी। कोई जुदाई। और बीजा बहुत खुश है मेरे बिना। कल तो उसको बेड पे ऐसा छोड़ा होकर सो रहा है वो, यूं करके। कल तो उसको छोड़ा मैंने और आज वापस उठा लिया, अभी फिर छोड़ने जा रहा हूँ। अलग रहेगा। और कल हम फिर से मतलब हमारे घर जाएंगे, मतलब मेरे नाना नानी जी आए हुए, तो हम फिर से कल इनके यहाँ जाएंगे। तो फिर अलग तो रही कहाँ रहे हो? तो उसके बाद में तीन दिन अपने घर ही रहूंगी ना। ठीक है, तो व्लॉग को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।